तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार का वीडियोस बहुत देखते होंगे, जैसे कि सोशल मीडिया पर, जैसे कि दोस्तों टिकटॉक, वीगो, लाइक, जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर जरूर ऐसे वीडियोस देखते होंगे कि दोस्तों आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजिंग होगा कि दोस्तों आप लोग ये वीडियो कैसे बना सकते हैं या जो जिसका ये वीडियो है वो कैसे बना लेते हैं इस प्रकार का वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन से कैसे बना सकते हैं इस प्रकार का वीडियो। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अंत तक देख लिए तो दोस्तों आप लोग भी इस प्रकार का वीडियो आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूं कि ताकि दोस्तों आप लोग भी इस प्रकार का वीडियो सीख सकें और भी जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली दोस्त आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर पर इजीली आसानी तरीके से आपको मिल सकता है, जो कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है काइन मास्टर से। सीधे दोस्त आप लोगों के सामने में काइन मास्टर एप्लीकेशन सबसे ऊपर की ओर आ जाएगा और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, तो सिंपली दोस्त आपको उसे ओपन करके इस प्रकार से आपको, जब आप ओपन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। तो सिंपली दोस्त आपको यहाँ बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आप जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी फ्रेम में, आप वो भी फ्रेम में बना सकते हैं। जैसे कि दोस्त आप YouTube TikTok के लिए अगर TikTok के लिए आप बनाना चाहते हैं तो दोस्तों 90-60 वाला जो बीच वाले ऑप्शन ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको Facebook Instagram के लिए वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको YouTube के लिए वीडियो चाहिए तो दोस्त आप इस पर यहाँ जो दिख रहा है 69 वाला, ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो सिंपली दोस्त हम आप लोगों को 69 वाला ऑप्शन चूज़ करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो कि दोस्तों YouTube के लिए है। तो सिंपली दोस्त इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्त आप लोगों को जो वीडियो आप लोगों ने शूट किए हैं वो वीडियो आपको ले आना है इस पर, यहाँ पर। तो दोस्तों जब आप वीडियो यहां ले आएंगे तो दोस्तों आप लोगों के सामने में इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो सिंपली दोस्त आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो आपको कुछ शूट करना पड़ेगा जो आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो दोस्त देख सकते हैं मैं यहां इस प्रकार का वीडियो शूट करके रखा हुआ हूं। तो दोस्तों आप लोगों को हम प्ले करके दिखा देते हैं ये वीडियो कैसा है। तो सिंपली दोस्त हम प्ले करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस प्रकार का वीडियो शूट करने लेना है, जो कि दोस्तों आपको ग्रीन स्क्रीन पर्दे का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप आसानी से आप लोगों को मार्केट में या आप लोगों के घर में भी ज़रूर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से वीडियो शूट कर लेना है, ग्रीन स्क्रीन जो इसे बोलते हैं, आप लोग बहुत बार देखे होंगे जो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करता है क्रोमा की, उसे इफेक्ट को हटा दिया जाता है। तो सिंपली दोस्त आप लोगों को इस प्रकार से वीडियो शूट कर लेना है और जैसे ही दोस्त आप इसको वीडियो शूट कर लेंगे तो दोस्तों आप काइन मास्टर एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो सिंपली दोस्त अब हम वीडियो एडिट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बैकग्राउंड यहाँ ले लेना है। अब बैकग्राउंड में जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, तो जिस कलर का आपको चाहिए वो दे सकते हैं, वरना आप अगर तो अगर आप जिस जहाँ वीडियो शूट किए हैं तो दोस्तों आपको वहाँ जो जिस जगह वीडियो शूट किए हैं उसी जगह का आपको फ़ोटो खींच लेना है और वो फ़ोटो खींचने के बाद सिंपली दोस्त आप लोगों को यहाँ ले आना है जो भी फ़ोटो आप लोगों ने खींचा है। तो सिंपली दोस्त मैं इन्हें ये फ़ोटो खींचा है तो इसे यहाँ ले आना है और इसे बड़ी कर देना है, जितनी बड़ी करना चाहते हैं उतनी बड़ी आप यहाँ से कर सकते हैं, जितनी बड़ी आपका वीडियो है उतनी बड़ी कर लेना है। और इसे दोस्तों सिंपली दोस्त आपको लेयर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली दोस्त आपको लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से 3 ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड में जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद इस वाली वीडियो को आपको डिलीट कर देना है डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके, और इसे खींच के वहाँ ले जाना है जो शुरुआती में जो जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ ले जाना है इसे। तो देख सकते हैं मैं यहाँ लेके आ चुका हूँ, और यहाँ आने के बाद जितना ही ये वीडियो है इतना ही आपको मीडिया वाले ये भी रखना है। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पर क्लिक कर देना है मीडिया वाले ऑप्शन पर, और ये यहाँ क्रॉप के निशान पर क्लिक कर देना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्त आपको साइज को जितनी छोटी बड़ी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं उस वीडियो को, उस इमेज को। तो सिंपली दोस्त हम यहाँ साइड को क्रॉप अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि एकदम मैच हो सके, इतनी अच्छी तरह से क्रॉप करना है। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ जो प्लस वाला बटन दिख रहा है इस पर आप, बराबर वाला बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका फोटो जिस जगह सेट किए हैं उसी जगह रहेगा, हिलेगा डोलेगा नहीं। तो सिंपली दोस्त आपको टिक के निशान पर क्लिक कर देना, और यहाँ इसे भी अपने एडजस्ट पर जितनी एडजस्ट आपको लगेगा उतनी एडजस्ट पर इसे भी क्लिक कर देना है।
तो सिंपली दोस्त आप लोग देख सकते हैं ये वाली वीडियो ओपन हो गया। तो सिंपली दोस्त इस वीडियो पर क्लिक करना है और सिंपली दोस्त आप लोगों को क्रोमा की अनेबल जो यहाँ दिख रहा है ये बीच वाली ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को अनेबल कर देना है इसे क्रोमा की को। तो दोस्तों इसको अनेबल करेंगे तो दोस्तों आपको सिंपली दोस्त कलर में चूज कर लेना है और ग्रीन स्क्रीन जहाँ आपको दिखेगा उस प्रकार से आपको वहाँ ले आना है। तो देख सकते हैं मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ ले आया हूँ। आपको इसे अच्छी तरह से मैच करना है, ग्रीन स्क्रीन जो भी है इसको अच्छी तरह से मैच करना है। तो इसे फिर से क्रोमा में की ओपन करते हैं और यहाँ क्लिक करने के बाद ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आप करना चाहते हैं इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। एकदम अच्छी तरह से कीजिएगा तब अच्छी दिखने में लगेगा। तो दोस्त देख सकते हैं आप लोग ये कुछ अच्छी तरह की से क्रोमा की हो गया है। और इसे भी अनेबल थोड़ा सा कर देना है जो भी इसे शूट करता है उस जगह पर। आप लोग देख सकते हैं आप कुछ वीडियो कैसा लगेगा आप लोगों के सामने में देखने में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों के सामने में जो ये वीडियो दिख रहा है वहाँ से जो ये मैं हूँ वहाँ मैं गायब हो जाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग कई बार देखते होंगे सोशल मीडिया जो टिकटॉक वीडियो पर वायरल हो जाते हैं वीडियो, इसी प्रकार का वीडियो बनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो कितनी इमेजिंग दिखने में लगता है, यहाँ लगता है कोई आदमी यहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के ये वीडियो आप लोगों को दिखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने बारीकी से ये वीडियो देखे होंगे समझ कर तो दोस्तों आप लोग भी अपने फोन में बना सकते हैं इस प्रकार का वीडियो। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नॉलेज या कुछ जानकारी मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।